आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी से रासू जूनागढ़ के तहसील कार्यालय उद्घाटन व सुजानागढ़ तहसील कार्यकारिणी का विस्तार किया तथा एक साथ तहसील कार्यकारिणी में 80 लोगों को नियुक्ति दी गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी का माल्यार्पण करके व मां करणी की प्रतिमा भेंट करके भव्य स्वागत किया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने समाज के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज बनाने पर जोर दिया तथा समाज के युवाओं को खेलों व शिक्षा के अंदर ज्यादा भागीदारी निभाने पर जोर दिया, साथ ही समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। राष्ट्रीय महासचिव उम्मीद सिंह करीरी ने समाज को युवाओं को करणी सेना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में समाज के युवाओं को जुड़ने का आह्वान किया। चूरू जिलाध्यक्ष संदीप सिंह चैनपुरा बड़ा ने कहा कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला संगठन है। जहां शासन व प्रशासन किसी असहाय की मदद नहीं कर सकता, वहां करणी सेना के शेर उस परिवार को न्याय दिलाते हैं। साथ ही संगठन के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में समाज के लोगों को अवगत करवाया, समाज के युवाओं के जोशीले नारे लगाए। सुखदेव सिंह गोगा मेडी, आप संघर्ष करो, हम सब आपके साथ है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। हम सब एक है, जो हमसे टकराएगा वो सीधा ऊपर जाएगा। सभी नवनियुक्ति पदाधिकारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी व सभी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर चूरू जिला उपाध्यक्ष शिव सिंह तोगावास व उपेंद्र सिंह जसरासर, सुजूनागढ़ तहसील अध्यक्ष महावीर सिंह राठौड़, परवासीकर जिला उपाध्यक्ष कायम सिंह डाबड़ी, चूरू जिला महासचिव नरेंद्र सिंह किशनपुरा, एडवोकेट विजेंद्र सिंह भीवन सर, चूरू जिला सचिव छेलू सिंह जोगल सर, जयपुर जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह सामेर, अभयराज सिंह गोगामेडी, सरपंच बोबा सर, आनंद सिंह, रतन सिंह चैनपुरा, पवन सिंह चैनपुरा, जीतू सिंह सोनिया सर, चूरू तहसील अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भाटी, रतनगढ़ तहसील अध्यक्ष मुकेश सिंह लोहा, पवन सिंह लदासर आदि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। श्री राष्ट्रीय अजबूत करणी सेना। रिपोर्टर सुरेश राज पुरोहित, बारवा। कार्यकारिणी का कोई मंत्री इन्वॉल्व है, ये हमारा सीधा सीधा आरोप है महाराष्ट्र सरकार पर और महाराष्ट्र की पुलिस पर। अब सीबीआई अगर जांच वहां करती है तो सीबीआई से हमारा एक आग्रह रहेगा कि जो सुशांत राजपूत मर्डर के हत्यारे हैं, उन हत्यारों के साथ साथ जो वहाँ के सबूत मिटाने वाले पुलिस कर्मी थे, उन पर भी 34 आईपीसी बटा 120 बी में उनको मुलजिम बना करके 302 में उन पदाधिकारी पुलिस के जो अधिकारी थे उनको भी अंदर करने का काम किया था। सुजानगढ़ में किस तरह का दौरा? सुजानगढ़ में आज आप लोग देख रहे हो, यहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारिणी का गठन हो रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष चूरू के संदीप सिंह राठौड़ हैं, मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय टीम के संगठन महासचिव उमेश सिंह जी करीरी भी हैं और हम लोग आज यहाँ आए हैं। हम इसलिए यह कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं कि जहाँ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना हर भारत के 22 स्टेट में है और चूरू जिले की तो हर तहसील में है। यहाँ पहले कार्यकारिणी तो बनी हुई थी पर इसका विस्तार कर रहे हैं। आज यहाँ प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, इसलिए हमने 50 लोग यहाँ बुलाए हैं, बाकी को हम यहीं चल दिया जाता है, उनकी मांग करनी सेना उठाती है। आज मीडिया में एक खबर आई है, उसमें प्रताप सिंह खजरियावा से आरोप लगा रहे हैं, ईडी का उस पर उनके ताऊ जी 80 वर्ष के थे, उन पर छापा मारा गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा ये प्रताप सिंह जी पे नहीं है, 80 वर्ष के ही अशोक गहलोत साहब के भाई हैं, उनके भी पड़ गया, अशोक गहलोत साहब के बेटे के भी पड़ गया, अशोक गहलोत साहब की टीम के जो जुझारू जैसे धर्मेंद्र राठौड़ हैं, वो बंसल साहब हैं, उन सब के पड़ा है, प्रताप सिंह के भी पड़ेगा और नेताओं के भी पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, जो सरकार चुन करके आती है, जो हम लोग ग्रामीण लोग जिस सरकार को चुन करके भेजते हैं, उनको ऐसे कुचलना केंद्र सरकार के हित की बात नहीं है। ये केंद्र सरकार के लिए आगामी आने वाले चुनाव में नुकसानदायक होगा। किसी को ईडी से कुचल रहे हैं, किसी को इनकम टैक्स से कुचल रहे हैं, किसी को सीबीआई से कुचल रहे हैं। ये इस देश भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत के अंदर हर धर्म का व्यक्ति विराजमान है, ये ऐसा काम यहाँ नहीं होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बढ़िया। भीड़ बड़ी गली यार।